सभी दर्शकों का पंजाब केसरी .com में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज 25 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार है। आज के पंचांग के अनुसार आज विक्रम संवत 2081 के चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि है, जो प्रातः 6:45 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीय तिथि का आरंभ हो जाएगा। आज विशाखा नक्षत्र है और व्यतिपत योग है, साथ ही वणिजकरण है। आज चंद्रमा रात्रि 8 तक तुला राशि में रहेंगे, इसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। बिजनेस संबंधी यात्रा की बात करें तो आज दक्षिण या पश्चिम दिशा की यात्रा से लाभ उठाया जा सकता है। पंचांग के बाद अब पहले बात करते हैं आज के वास्तु टिप्स की। वास्तु की मान्यताओं के अनुसार यदि प्रातः उठते ही यदि हम भूमि पर पैर रखने से पूर्व अपने दाएं हाथ की उंगलियों से भूमि को प्रणाम करते हैं तो मंगल के समस्त दोषों से मुक्ति मिलती है, कर्ज से छुटकारा मिलता है और घर में छोटे वास्तु दोषों का निवारण होता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता का संचार होता है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। कौन सी राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा और कौन सी राशि वालों को आज विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, चलिए इस पर नजर डालते हैं। मेष राशि वाले लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, परेशानी भी हो सकती है। हालांकि प्रेम संबंधों के मामले में अनुकूलता है, सामाजिक स्तर के कार्यों के प्रति उत्साह बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को उच्च अधिकारियों और मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए निराशा और हताशा का वातावरण रह सकता है, इसीलिए मैं आपको आज यही सलाह दूंगी कि कुछ नया करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो चल रहा है उसी में अपना ध्यान केंद्रित करें तो साय तक कुछ हासिल कर पाएंगे। मिथुन राशि वाले व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए लाभ मिलने से उत्साह बना रहेगा। आज आपकी राशि से कुछ ग्रह अच्छी स्थिति में होने से परिश्रम का पूरा लाभ मिल जाने की संभावना है। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए सचेत रहें। कर्क राशि वाले लोग बेकार की बातों में उलझने का प्रयास ना करें। यात्रा में कष्ट की आशंका बनी रहेगी। समय आपके अधिक अनुकूल नहीं है, इसीलिए सावधान रहकर नित्य कर्म करते रहें। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा, खान पान में सावधानी रखी जानी चाहिए। सिंह राशि वाले लोगों के लिए परिजनों से सहयोग की अपेक्षा रखी जा सकती है। घरेलू यात्रा का योग है, अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है। प्रेम प्रसंगों में मनमाफिक सफलता मिलने का योग बनता दिखाई देता है। सगाई संबंधों की चर्चा भी होगी। कन्या राशि वाले लोगों के लिए व्यय अधिव्यय के अलावा बाकी सब ठीक है। उच्च अधिकारियों का वरदहस्त प्राप्त होता रहेगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। जो लोग जनता से सीधे जुड़े हैं उनके लिए शुभ समाचारों का संचार होगा। अच्छे समय का लाभ उठाने का प्रयास करें। तुला राशि वाले लोगों के लिए राशि पर चंद्रमा का संचार हो रहा है। जैसा आप करेंगे वैसा ही प्रतिफल प्राप्त होगा। वाणी में मधुरता का समावेश रखना ठीक रहेगा। हालांकि खर्च की अधिकता रह सकती है, लेकिन खर्च की तुलना में लाभ की मात्रा में भी इजाफा होने की संभावना है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए चंद्रमा की अनुकूल स्थिति मानसिक और अशांति में बाहर ला सकती है। चित्त में चंचलता बनी रहेगी। परिजनों से विवाद होगा। धर्म और दान में रुचि रखना लाभदायक रहेगा। साय तक समय आपके पक्ष का बन जाने की संभावनाएं दिखाई देती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। परिवार में तनाव से आपके व्यापारिक हित प्रभावित होंगे। व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। व्यापार में नए संपर्कों से लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि कार्य में गति मंदता बनी रहेगी। मकर राशि वाले लोगों के लिए ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता दिखाई देती है। सोचे गए कार्यों के पूर्ण होने में शंका रहेगी। यात्रा का कष्टदायी योग है। स्वास्थ्य में सुधार की संभावना बनेगी। हालांकि आंखों में खुजली या इन्फेक्शन रह सकता है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए पारिवारिक रिश्तों में मधुरता का संचार होगा। परिजन आपकी बातों को विशेष महत्व देंगे। स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज ना करें। किसी पारिवारिक सदस्य या मित्र की धन से सहायता करनी पड़ सकती है। बिजनेस यात्रा आज आपको लाभ दे सकती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन साधारण कहा जाएगा, क्योंकि अपच या बदहजमी की शिकायत हो सकती है, लेकिन मित्र ग्रह का नक्षत्र होने से आप स्थिति को काबू में रख पाने में कामयाब हो सकेंगे। प्रयास करेंगे तो कहीं से आर्थिक मदद मिल सकती है। आज के राशिफल में बस इतना ही। अगर आपके मन में भी आज के राशिफल से जुड़े कोई सवाल जवाब है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहें पंजाबकेसरी.com के साथ।